ग्लास ब्रिज का बता दूँ आप सभी को, अगर आप आते हैं तो मैं तो बोलूँगा कि आप सबसे पहले 3 से 4 मिनट पहले टिकट बुक कर ले। और टिकट बुक करने का साइट है rajgirzoosafari.bih.in पे जाएं। और जितने जन आ रहे हैं पर हेड 150 रुपीज है, वो सिर्फ शुल्क लिया जा रहा है, आपको एंट्री है और बस का चार्जेबल है। उसके बाद अगर आप नेचर सफारी का काटते हैं तो 150 है और जू सफारी का काटते हैं तो 250 है। तो अगर आप ग्लास ब्रिज आना चाहते हैं तो 150 काटिए, उसके बाद ग्लास ब्रिज तक पहुंचा देगा और उसके बाद फिर 150 फिर से पे करना पड़ेगा, जिससे आपको ये होगा कि ग्लास ब्रिज। और ये देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि सस्पेंशन ब्रिज, ये दोनों का आप लुत्फ उठा पाएंगे। और फिर इधर से अगर मान लेते हैं जू सफारी में जाना चाहते हैं तो उसको आपको 250 फिर से पे करना होगा। देखिए बहुत ही मजा है, झूला है। हाँ हम ले लेंगे गोदे। हम कैसे बोले थे वीर तुम बड़े चलो, हाँ वही वाला झूला है। सस्पेंशन नीचे मत देखो, नीचे सामने देखो। अरे पापा चोरी। इसमें है कि ग्लास ब्रिज में अगर आप जाएंगे तो एक राउंड करके आएंगे, उसी प्रकार से सस्पेंशन ब्रिज में है, बस इधर से जाना है और उधर से तुरंत यू टर्न लेना है। तो आप आए और एंजॉय करें राजगीर का जू सफारी, नेचर सफारी का खूब लुत्फ उठाएं। ये देखिए हम लोग सस्पेंशन ब्रिज पे आ गए हैं, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ब्रिज हिलता है, ठीक है। लेकिन देखिए बहुत मजा आ रहा है, वाह हिलता हुआ मजा आ रहा है यार। और देखिए वहाँ पे आप एक हाथ से क्लिक कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और देखिए वहाँ पे ग्लास ब्रिज है आपके सामने, वहाँ दिख रहा होगा। देखिए तो भाई सैंडल नहीं, सैंडल को छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सैंडल है तो जो है वही ना। वाह देखिए ग्लास ब्रिज वहीं पे दिख रहा होगा, देखिए मजा नहीं आ रहा है। पूरा हिला रहे हैं, पूरा हिलवे ना करेगा, मजा नहीं। हमको लगा कि पूरा एकदम लाल मार पर सही सब आ रहेगा, वैसे रहेगा तब ना अलग मजा है। देख के अच्छा, जो मतलब एंट्री मार लिया वो डबल रिवर्स नहीं होगा। वाह देखिए हम लोग पूरा फैमिली टीम है, हम लोग फैमिली टूर पे आए हैं। अभी मैं दिखाता हूँ, देखिए यह है सस्पेंशन ब्रिज। वाह पूरा यही है। तो देखिए अभी सस्पेंशन ब्रिज से वन वे से हम लोग अभी इधर आए हैं और देखिए पूरा सस्पेंशन ब्रिज पूरा ज्यादा जितना चाहिए था जितना सोचे थे वैसा तो नहीं है, बट देखिए ये पुराने सदी में क्या बेटा क्या चल तो देख सकते हैं। इससे मिलिए ठीक ठाक है आंटी, ओके देखिए आंटी भी ठीक है और क्या हाल है, ओके फाइन। तो मिलिए इन लोगों से, क्या हाल है बेटा, सब अच्छा है, क्या हाल आंटी। वाह मजा आ रहा है, यहाँ पे आंटी लोग भी हैं और देखिए अंकल लोग भी हैं, है ना, यहाँ पे अंकल लोग भी हैं। तो मिलिए इन लोगों से और भी मैं यहाँ से दिखाता हूँ यहाँ पे और क्या क्या है, देखिए आइए। मतलब बहुत अच्छा खूबसूरत लगेगा ही नहीं कि इन लोग साथ में खड़ा है, देखिए ठीक है। अब इसके बाद चलिए आते हैं आप सभी को दिखाते हैं बाहर का नजारा, देखिए ये है ठीक है। और ये देखिए ये सन ब्रिज ग्लास ब्रिज इसी के जस्ट बगल में है, उस तरफ आपको दिख रहा होगा वही है। तो देखिए यहाँ का शानदार नजारा, देखिए यहाँ पे सारे
लोग अपना सस्पेंशन ब्रिज का मजा ले रहे हैं। और ये देखिए, देखिए वादियों में आए हुए हैं, क्या घना जंगल है यार, दोनों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और बीच में खाई, और इसी खाई को बहुत अच्छा से उपयोग करते हुए यहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है। और देखिए यहाँ पे सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है तब पप्पू भाई, कैसा लगा यहाँ पे आकर के बताइए। अच्छा लगा, लेकिन सस्पेंशन कुछ खास नहीं था, जैसा चाहिए जैसा हम लोगों ने उम्मीद लगाया था, बट वो इस प्रकार से नहीं रहा। अच्छा, बट और थोड़ा सा चाहिए, बट इसमें भी बहुत सारे पर्सन है कि डरने लग रहे हैं, और जहाँ तक 40+ वाले व्यक्ति तो एक दो तो गिर भी गए, तो एज के ऊपर भी मैटर करता है किस एज वाले इस पे चढ़ रहे हैं। देखिए ये है फाइनली सस्पेंशन ब्रिज, ये है ग्राउंड लेवल का है, देखिए किस प्रकार से यहाँ पे कनेक्ट है, और ये देखिए नीचे में दो पाया है और इसी पे सारा चीज रुका हुआ है। देखिए बिल्कुल बीच में कहीं कुछ नहीं है, देख सकते हैं एक लास्ट में है और एक यहाँ पे है, बाकी देखिए इसी पे सारा चीज ओके है। बहुत ज्यादा रुको नहीं, तुम लोग डर रही है लड़की, डरो मत, ऊपर देखो, वाह नहीं वैसा नहीं है जैसा चाहिए। देखियो क्लास ब्रिज, बस ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं, ठीक है सर। वहाँ पे सामने में है ग्लास ब्रिज, हाँ मजा आ रहा है। ये लेकिन यहाँ पे इको कर रहा है, देखिए सस्पेंशन ब्रिज का मजा लेते हुए, देखिए कुछ ऐसा विशेष नहीं है, देखिए मजा आ रहा है, लेकिन कुल वाह निकलेंगे अब धीरे धीरे यहाँ पे आपको अच्छा खासा है, कैसा लगा घूम करके, बढ़ता रहेगा। चले भैया, हेलो ओए चिक्कू, आराम से रहिए, आराम से क्या दादा। फाइनली खूब मजा आया यार, बाबा आराम से बैलेंस ऐसे ऐसे। देखिए रोशन भाई पूरा दौड़ते हुए, आराम से बाबा ही पकड़ के, कोई बड़ा इशू नहीं, देख हम लोग कहाँ पकड़ रहे हैं। कौन बोला था तुमको मेरे को भी? हाय गाइस, हाय। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने घूम लिया सस्पेंशन ब्रिज, और बहुत मजा आया घूम करके, और हमारे मित्र लोग हैं, देखिए आइए, हेलो, पूरा मजा आ रहा है घूम करके, ज्यादा नहीं है, हमें लगता है 100 मीटर का इसका डिस्टेंस है, ठीक है। आओ आओ जल्दी आओ, फाइनल। तो आइए मिलते हैं फिर, यहाँ से चलते हैं अब एग्जिट की ओर, अब देखते हैं कहाँ पे मिलता है कुछ, अब तो यहाँ नहीं लगता है कि कुछ विशेष मिलेगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग अब जस्ट निकल रहे हैं, ठीक है। ये देखिए एक
यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और ये देखिए रिटर्निंग हम लोग हो रहे हैं सस्पेंशन ब्रिज से। अब देखते हैं ये रास्ता कहाँ लेकर के जाती है। अभी तक तो इस रास्ता से हम लोग नहीं गए हैं, बट देखिए ग्लास ब्रिज तो घूम करके मजा आया यार। जब ऊपर में गए और लगभग 5 से 7 आदमी जब लास्ट में गए तो बहुत अच्छा सा सस्पेंशन कर रहा था। नहीं 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 मजा तो था। रॉक ही रॉक है, रॉक ट्री बस नजर आ रहा है। वाह रॉक ट्री बहुत मस्त लुक है। आप यहाँ पे शूटिंग वगैरह भी चाहते हैं तो देखिए शूटिंग फिर आप बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ पे फोटो आ रहा है यार, बहुत मस्त लुक है, बहुत दूर है। तो राजगीर में आए तो जरूर यहाँ पे आए, ठीक है। सस्पेंशन ब्रिज और ग्लास ब्रिज जरूर घूमे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद इतना ही नेचुरल लगता है कि कहीं और आ गए हैं, कहीं और ना जाओ, ठीक है। रंगीन वादियों में घुस जाते हैं। हम लोग फाइनली निकल चुके हैं सस्पेंशन ब्रिज से। और ये निकलने के बाद ये देखिए यहाँ पे बैठने वाला है, ये जीप रास्ता है। और यहाँ से आप कुछ दूर आगे जाइएगा तो आपको मेन रास्ता मिल जाएगा। और यहाँ पे पहले ई रिक्शा चलता था, बट अभी जो है अभी तो है नहीं प्रेजेंट में,